बिना मतलब का बतकही कहना जो है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक चलन में है। अभी तो इनके प्रधानमंत्री जो है ना गए थे विदेश में तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव। हाँ यही थे ना झूठा मक्कार आदमी सब, इतना झूठ फरेब करने वाले लोग। मैं तो कहती हूँ कि है इनमें दम तो अपने आज चेहरा ये किसी अल्पसंख्यक में से किसी को बना दे प्रधानमंत्री का। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या है ना मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। जान रही है वो कि अब तो भाई सदन में जाने का सपना इनका सपना ही रह जाने वाला है। और ओवैसी जी को एक बार पुनः विचार करना चाहिए, वो किधर है, पेंडुलम की तरह वो डोल रहे हैं। जब चुनाव आता है मंचों पे जाके बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, फिर जाके उनके गोद में सवार हो जाते हैं। झूठ बोल दिए ना, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि हम कल जो बोले थे वो झूठ था, आज जो बोल रहे हैं वो झूठ है। अपने ही झूठ में भारतीय जनता पार्टी इतनी उलझ के रह गई है। और ये भी मैं आपको आश्वासन देती हूँ, जो लोग नहीं आए हैं वो भी कल हमारे साथ होने वाले हैं। बिहार में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक हुई, लेकिन अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इस बैठक को फोटो सेशन बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको कहा कि सभी विपक्ष के नेता एक साथ मिलकर के फोटो खिंचा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, लिट्टी खा रहे हैं, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। बीजेपी ने अंत रात में एक पोस्ट डाला और उसमें लिखा कि इस बैठक का ही नतीजा हुआ कि अब राहुल गांधी शादी करेंगे, सबकी सहमति से प्रस्ताव पारित हो गया। यानी कि बड़े लेवल पर तंज बोला गया है। हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। आप लोग फोटो सेशन कर रहे थे और राहुल गांधी की शादी की मामला तय हुआ इसमें, और कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी कहे जाने वाले बीजेपी के शीर्ष में बैठे लोग जो है ना वो पोस्टर बॉय हैं, फोटो शूटिंग और मॉडलिंग करने का उनका पुराना आप जाने रहे इतिहास है। किस तरीके से वो उनके और कैमरे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो हाथ दे के उसको बाहर साइड कर देते हैं। तो फोटो खिंचवाने का चस्का जितना इनको है तो इतना किसी को नहीं है। तो वो लोग जैसे हैं वैसे उनको वो दिखता है। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या है ना मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है, क्योंकि जो पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तमाम विपक्षी दल जो है बिहार की धरती पे उनका आगमन और वो जमावड़ा महापंचायत महासंगोष्ठी और वो दृश्य मानो एक बदलाव और परिवर्तन के लिए बिहार की धरती पे जिनका एक जमावड़ा दे करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, बेचैन हो गई, इतना उकबका गई कि इस तरह की बातें वो बोल रही हैं। जान रही है वो कि अब तो भाई सदन में जाने का सपना इनका सपना ही रह जाने वाला है, अब तो लोग इनको मौका देने वाले हैं नहीं। तो जेपी नड्डा बोल रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार ये वही लोग हैं जिनको इंदिरा गांधी जो राहुल गांधी की दादी है जेल में डाल दिया था इन लोगों को, कोई 20 महीना रहा कोई 22 महीना रहा, फिर भी राजनीतिक सुख के लिए सब लोग समझौता कर रहे हैं। देखिए अब ये लोग तो यो कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचा करते थे, अमित शाह तो अपने तड़ीपार व्यक्ति हैं और क्या क्या किस किस तरह के आरोप लगाए गए हैं उन लोगों पे। देखिए बिना मतलब का बतकही कहना जो है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक चलन में है। जिस तरीके का भाषा का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभी तो इनके प्रधानमंत्री जो है ना गए थे विदेश में तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता जाति और धर्म के आधार पर। हाँ यही थे ना झूठा मक्कार आदमी सब, इतना झूठ फरेब करने वाले लोग। भारत में जितना धर्म और जात के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वोट बैंक और जिस तरीके से राजनीति करने का इन्होंने तरीका किया है उससे ज़्यादा किसी ने किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की तो बिसात ही जात और धर्म पे लोगों को अलग और अलगाव करके करने की रह गई है, और इनसे ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं करता है। मैं तो कहती हूँ कि है इनमें दम तो अपना आज चेहरा ये किसी अल्पसंख्यक में से किसी को बना दे प्रधानमंत्री का। है तो यही तो बात है, कैसे हो जाएगा? राम मंदिर बनाइएगा, बड़ी बड़ी हनुमान और राम की बातें कीजिएगा, और अल्पसंख्यकों को दलितों को और आदिवासियों को आप हेय दृष्टि से देखिएगा, और जाके विदेश में आप प्रवचन दीजिएगा कि हमारे यहाँ जात और धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता है। अरे यार आप लोगों से ज्यादा कोई जात और धर्म के नाम पे भेदभाव करता होगा? मोदी जी के पैर छूने के लिए लोग वहाँ तरस रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। विजय सिन्हा बोल रहे हैं। के बोल रहा है? विजय सिन्हा कौन है? ट्रंप है, बाइडेन है, पुतिन है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, कुछ भी कह दीजिए, कौन कह रहा है? विपक्ष के नेता है, उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अरे हमको बतलाइए ना, भारतीय जनता पार्टी के चेला चमचा के अलावा कोई बोल रहा है दूसरा बात? जाके देखिए ना, थूथू हो रहा है विदेशों में, जो मीडिया है ना थूथू कर रही है इनकी।
आई अपने क्या है ना, अपना कॉलर एकदम चौड़ा किए हुए, अपना छाते चौड़ा किए हुए हैं। तो ये झूठ और फरेब का प्रचार कर करके ये लोग देश के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और खुदे आज ये लोग चकरा गए हैं। बैठक करके झूठ बोल दिए ना, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि हम कल जो बोले थे वो झूठ था, आज जो बोल रहे हैं वो झूठ है। अपने ही झूठ में भारतीय जनता पार्टी इतनी उलझ के रह गई है कि आने वाले 24 में देखिएगा इनकी क्या दुर्गति होने वाली है। क्या कर पाएंगे बैठक करके, क्या कर लीजिएगा? हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देश की जनता करेगी। देश की वो जनता जो रोजगार के लिए, जो रोटी के लिए, जो अपनी समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लगातार लड़ रही और सड़कों पे है, जिनको एक कहते हैं ना सुकून की दो टाइम के खाना नहीं लोगों को मिल रहा है, वो जनता इनको उस तख्त से उतारेगी, क्योंकि इन्होंने ही उसे बैठाया था, इनसे ही छल और कपट और झूठ के नाम पे इन्होंने वोट लिया था। लालू जी ने कहा कि मैं फिट हो गया हूँ, भाजपा को फिट करूँगा। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि मैं तो अब भाई फिट हो गया हूँ और अभी मोदिया को हम फिट कर देंगे। तो निश्चित रूप से करेंगे, मोदी को फिट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, काय नहीं करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं कि और तंदुरुस्त हो जाए बिहार मैदान में। बहुत बढ़िया, और उनकी दुआओं ने पूरे बिहार की जनता की दुआ है लालू जी के साथ, और उनकी ही दुआओं से आज वो स्वास्थ्य प्राप्त हुए हैं। बैठक में जो एजेंडा तय हुआ कि मोदी मुक्त भारत करना, बीजेपी मुक्त भारत करना, लेकिन इस पर ओवैसी की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इन लोगों का कहना है कि हम बीजेपी मुक्त भारत करना चाहते हैं, लेकिन असल में ये दलित और मुस्लिम मुक्त गठबंधन बना रहे हैं। देखिए ये मोदी कौन है? नहीं नहीं, हम पहले ये जो कहते हैं खुद ही कहते रहिए, भारतीय जनता पार्टी वाले का खुद ही लाइन है कि मोदी मुक्त करना है। हमारे लिए मोदी जी कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, हमारे लिए चेहरा कोई माने नहीं रखता है। हम उस जो ताकत और वो जो गलत नीतियों से बैठा हुआ जो पार्टी है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हम उससे भारत को मुक्त करना चाहते हैं। यानी कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाला है, और ये निश्चित रूप से होगा। ये हमारी नहीं, ये पूरे देश की जनता की आवाज़ है, उस देश की जनता की आवाज़ है जिनको इन लोगों ने छला है। और ओवैसी जी को एक बार पुनः विचार करना चाहिए, वो किधर है, पेंडुलम की तरह वो डोल रहे हैं। जब चुनाव आता है मंचों पे जाके बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, फिर जाके उनके गोद में सवार हो जाते हैं। ये दोहरे चरित्र, नहीं नहीं, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने भी समझ लिया है कि ओवैसी जो हैं दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। ये असल में इनका खाने का दांत और है, दिखाने का दांत और है, इसलिए अल्पसंख्यकों ने भी उन पर भरोसा करना छोड़ दिया है। निश्चित रूप से दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, महिलाएँ, तमाम लोगों का समर्थन जो है हमारे साथ है, और इसका प्रमाण है। इसके पहले कभी आपको आपने देखा होगा राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर वन की पार्टी, उस टाइम एक चेहरा तेजस्वी यादव जी, उन्हें हराने के लिए मोदी, योगी, अमित शाह, नड्डा सारे लोग मैदान में उतर गए। क्या हुआ परिणाम? क्या परिणाम हुआ? एक चेहरे ने मात दी उनको और बिहार की नंबर वन की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन के उभरी है। और आप समझ लीजिए उस बिहार की धरती पे कोई कोना बचा जहाँ से लोग कल नहीं आए थे। और ये भी मैं आपको आश्वासन देती हूँ, जो लोग नहीं आए हैं वो भी कल हमारे साथ होने वाले हैं, और ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, और वो जान रही है कि उनकी नैया इस बार पार नहीं लगने वाली है। निश्चित रूप से 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी जो है ना अपना झोला लेके जाने वाली है। चलिए, तो मेरे साथ सरिका पासवान थी, क्या कहना है कि बीजेपी का अस्तित्व ही हिंदू, मुस्लिम और धर्म जातिवाद पर है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं विदेशों में जाकर के, उन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, आदिवासियों के लिए, या फिर किसी वर्ग के लिए। मोदी जी को हराना है, लालू यादव ने बिठान लिया है। लालू जी ने कहा है कि अगर अब हम फिट हो गए हैं, अब मोदी को फिट कर देंगे। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।